मॉर्निंग सभी बच्चों, बहुत ही आज मुझे बहुत ज्यादा ही खुशी है इस चीज को लेके कि हम धीरे धीरे अपने सिक्स्थ लेक्चर की तरफ आ चुके हैं। और लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों से कहा था कि एक सिंपल सा क्वेश्चन है, आप उसे कमेंट करके आंसर दो कि क्या आप सवाल को देख भी रहे हो या आप लेक्चर्स को कवर भी कर रहे हो कि नहीं। और आप सबने जो रिस्पॉन्स दिया है उस पर्टिकुलर लेक्चर के साथ, वो बहुत ही ज्यादा सराहनीय है। मतलब हद से ज्यादा खुशी हुई है मुझे ये सब देख के। देखो बच्चों, जाहिर सी बात है कि हम अपने घर में हैं इस समय, बहुत ही ज्यादा चिल्ड एनवायरनमेंट है हमारे लिए। और तो मान सकता हूँ प्रॉब्लम्स बहुत सारी है इस समय, बट स्टिल हम चाहें तो अपने कंफर्टेबल जोन में जा सकते थे, हम चाहें तो अभी अपने टाइम को फैमिली वालों के साथ बहुत ज्यादा एंजॉय कर सकते थे, पर हम ऐसा नहीं कर रहे हैं। कहीं ना कहीं हम शायद अपनी अपना जो हमारा जो मेन मकसद है हमारा, हम उस पर फोकस करना शुरू कर चुके हैं। और ये बहुत ज्यादा प्रशंसा की बात है मेरे लिए, क्योंकि अब ऐसा लगता है कि हाँ, हमारी जो मेहनत है वो सच में शायद रंग लाएगी। किसी ने सही कहा है कि यूं ही नहीं मिल जाता है अक्सर सपनों का शहर, यूं ही नहीं मिल जाएगा अक्सर सपनों का शहर, मंजिल पाने के लिए कुछ कदम चलना जरूरी है। तो चलो इसी के साथ बेटा आज का लेक्चर हम लोग शुरू करते हैं। और लेक्चर में शुरुआत मैंने आपको उस दिन लास्ट में बोला भी था कि मुझे कुछ क्वेश्चंस कराने हैं प्रीवियस ईयर के, तो ये बहुत ही शानदार मैंने एक सबसे बेस्ट क्वेश्चन जो मुझे लगा अभी तक, स्ट्रिंग के क्वेश्चंस जो होते हैं, पेंडुलम के क्वेश्चंस जो होते हैं, उसमें सबसे बेस्ट क्वेश्चन एक तरह का जो मुझे लगा वो AITEE 2011 में पूछा गया था। मैं क्वेश्चन पहले आपको बहुत ही तरीके से समझा देता हूँ और फिर मैं इसका सॉल्यूशन भी आपको बहुत ही अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा। देखो क्वेश्चन में हमसे ये कहा गया था कि दो चार्ज पार्टिकल्स है, दोनों बिल्कुल ही आइडेंटिकल है। मतलब ये भी कैपिटल क्यू, इसका मास स्मॉल एम, ये भी कैपिटल क्यू, इसका मास भी स्मॉल एम। आगे कहता है इन दोनों के बीच अभी सेपरेशन डी है बिकॉज ऑफ रिपल्शन, और स्ट्रिंग की लेंथ एल दे रखी है हमको, दोनों आइडेंटिकल मासलेस स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग की लेंथ हमको बेटा स्मॉल एल दे रखी है। हमसे कह रहा है इफ चार्ज स्टार्ट लीकिंग फ्रॉम बोथ स्फीयर्स एट वेरी स्लो कॉन्स्टेंट रेट, हमसे कहता है कि इन दोनों स्फीयर के पास अभी क्यू चार्ज मौजूद है कैपिटल, अगर इनमें से चार्ज लीक करना शुरू कर दे, बहुत तेज नहीं, धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे लीक करना शुरू कर दे, तो जाहिर सी बात है ये दोनों ही चार्ज बॉल्स जो है एक दूसरे के पास अप्रोच करना शुरू कर देंगी। तो अप्रोच करते करते स्टार्टिंग में बीच में डिस्टेंस डी थी, तो कभी ना कभी घटते घटते वो एक्स भी हो चुकी होगी, और जब डिस्टेंस घटते घटते एक्स हो चुकी होगी तो उस समय पार्टिकल्स की कुछ ना कुछ वेलोसिटी भी आ चुकी होगी। हमसे सवाल यही कह रहा है कि इफ द चार्ज स्टार्ट्स लीकिंग फ्रॉम बोथ स्फीयर एट अ वेरी स्लो कॉन्स्टेंट रेट, देन वेलोसिटी वी एंड डिस्टेंस बिटवीन चार्ज एक्स आर रिलेटेड एज। अब चार ऑप्शन आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे, हमको इनमें से सबसे बेस्ट ऑप्शन चूज करना है कि आखिर वेलोसिटी और डिस्टेंस बिटवीन चार्ज पार्टिकल्स के बीच क्या रिलेशन है। अच्छा, इन सब के अलावा हमें एक चीज और दे रखी है बेटा, इन सब के अलावा क्वेश्चन में हमें एक चीज और दे रखी है कि जो डी है, ये डी काफी ज्यादा छोटा है इन कंपैरिजन टू एल, ये डी काफी ज्यादा छोटा है इन कंपैरिजन टू एल। अगर मैं इस बात को ध्यान से समझूं कि अगर डी एल के कंपैरिजन में बहुत छोटा है, तो मैं ऐसा मान सकता हूं कि ये जो एंगल यहां पे बन रहा होगा, ये एंगल भी काफी ज्यादा छोटा होने वाला है, क्यों? क्योंकि डी एल से बहुत छोटा, डी बाई टू भी एल से बहुत ज्यादा छोटा होगा, चलो इस छोटे से कॉन्सेप्ट के ऊपर हमारा जो पहला क्वेश्चन है, हम इसको बहुत तरीके से करने की कोशिश करते हैं। मैं एक सीन इमेजिन करता हूं, कुछ समय बाद की कहानी के बारे में सोचता हूं, जब ये सेपरेशन डी नहीं रह गया होगा बल्कि बेटा एक्स हो चुका होगा। जब ये सेपरेशन एक्स हो चुका होगा तो मेरा फिगर कुछ ऐसा होगा, बहुत ध्यान से देखो बच्चों, मेरा फिगर कुछ ऐसा हो चुका होगा। ये मेरी चार्ज बॉल्स होंगे दोनों, इनके बीच का सेपरेशन मैं अब x मान लेता हूं, जिसकी वजह से मुझे आंसर निकालना है, जिसके टर्म्स में मुझे अभी भी स्ट्रिंग की लेंथ l है, और मैं ये मान लेता हूं कि ये जो एंगल बन रहा है ये कुछ अल्फा के बराबर होगा, बहुत ध्यान से देखो, अभी बहुत स्लो रेट से चार्ज कम होता जा रहा है, मैं मान लेता हूं कि इस पर्टिकुलर टाइम पर इसके पास चार्ज स्मॉल q हो चुका होगा, घटते घटते कितना हो गया होगा बेटा, स्मॉल q हो चुका होगा। स्ट्रिंग की लेंथ अभी भी बेटा l के बराबर ही है, और अब मैं कुछ खास नहीं करने वाला हूं, मैं बस एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझता हूं, या जो चीज मुझे दिमाग में क्लिक करनी चाहिए थी उस 2011 के पेपर में, मैं उसके बारे में सोचता हूं। हमसे कह रहा है कि चार्ज आर लीकिंग एट अ वेरी स्लो कॉन्स्टेंट रेट, बहुत ही धीरे धीरे चार्ज लीक कर रहा है, तो बहुत धीरे धीरे चार्ज लीक कर रहा है मतलब अचानक से तो बॉल ऐसे नहीं आ जाएंगी, वो भी बहुत ही ज्यादा धीरे धीरे एक दूसरे के पास अप्रोच कर रही होंगी, और जब वो काफी धीरे अप्रोच कर रही होंगी तो मैं एक तरह से अभी भी ये मान सकता हूं कि जो नेट फोर्स किसी भी एक बॉल पे है, ऑल्दो वो बैलेंस नहीं है, पर मैं
ऑलमोस्ट उसे बैलेंस कर सकता हूँ, और अगर मैं उसे स्टेप को यूज करूंगा तो ही इस क्वेश्चन का आंसर मैं सही निकाल पाऊंगा, अदरवाइज आंसर नहीं निकाल पाऊंगा। देखो बच्चों कैसे निकालेंगे हम लोग आंसर, बहुत ही आसान तरीके से निकालेंगे। सबसे पहले एक बात कर लेते हैं इस अल्फा के बारे में। इस अल्फा के बारे में बेटा अगर हम लोग बात करें तो ये अल्फा बहुत ज्यादा छोटा एंगल होगा। सर आप कैसे कह सकते हो अल्फा बहुत ज्यादा छोटा होगा, क्योंकि जब डी एल से बहुत छोटा है तो एक्स तो एल से बहुत ज्यादा छोटा होगा। और अल्फा एंगल कितना होगा जरा ध्यान से देखते हैं। अगर मैं तुमसे पूछूं बेटा ये डिस्टेंस कितनी होगी, ये डिस्टेंस कितनी होगी बेटा, तो आप कहोगे सर ये एक्स बाई टू के बराबर होगी। ये सर एक्स बाई टू के बराबर होगी। ये डिस्टेंस कितनी है, एल के बराबर है। तो मैं लिख सकता हूं एक ट्राइंगल से कि साइन अल्फा मेरे लिए बेटा कितना होने वाला है, एक्स बाई 2L के बराबर होने वाला है। साइन अल्फा मेरे लिए बेटा x बाई 2L के बराबर होने वाला है। अब क्योंकि ये एंगल बहुत ज्यादा छोटा है तो मैं ऐसा भी मान सकता हूं कि साइन अल्फा जो है वही एक्चुअली में क्या होगा बेटा, टेन अल्फा भी होगा। तो टेन अल्फा क्या हो जाएगा बेटा, साइन अल्फा के बराबर, और कितना निकल के आएगा वो x बाई 2L के बराबर, x बाई 2L के बराबर। चलो एक काम करते हैं, बहुत ही आसान सी चीज है, याद करो पेंडुलम के क्वेश्चंस करने के लिए मैंने कहा अभी था एफ बी डी पे काम करना जरूरी है बेटा। किस पे काम करना जरूरी है, एफ बी डी पे काम करना जरूरी है। अगर मैं इनमें से किसी भी एक बॉल का फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं तो इधर लग रहा होगा एक टेंशन डी, इधर आ रहा होगा बेटा एम जी, और दोनों में रिपल्शन की वजह से इधर आ रहा होगा एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। इधर क्या होगा बेटा, एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। अगर मैं कॉम्पोनेंट सही से करूं, ये एंगल अल्फा है बेटा तो मुझे पता है ये एंगल भी अल्फा होने वाला है। तो टी कॉस अल्फा ही एक्चुअली किसके बराबर होगा बेटा, एम जी के बराबर। टी कॉस अल्फा किसके बराबर होगा बेटा, एम जी के बराबर। और टी साइन अल्फा किसके बराबर होगा बेटा, टी साइन अल्फा आना चाहिए एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक के बराबर। और तो ये ऑलमोस्ट इक्वल है, ये एग्जैक्टली इक्वल नहीं होगी तभी बॉल पास आ पाती होगी। तो मेरी बात बिल्कुल ध्यान से समझो, मैं ऐसा भी लिख सकता हूं कि टी साइन अल्फा एक्चुअली में आएगा के क्यू स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर के बराबर, के क्यू स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर के बराबर। इन दोनों इक्वेशंस को बेटा, इन दोनों इक्वेशंस को जरा एक दूसरे से डिवाइड करो, मतलब ये अपॉन ये वाली इक्वेशन करके देखो, सेकंड अपॉन फर्स्ट करके देखो। तो साइन टी से टी कैंसिल हो जाएगा, साइन अपॉन कॉस बन जाएगा बेटा टेन अल्फा। साइन अपॉन कॉस क्या बनेगा बेटा, टेन अल्फा। तो यहां से निकल के आएगा टेन अल्फा इज इक्वल टू KQ square अपॉन X square mg। पर tan अल्फा की वैल्यू तो मैंने बेटा पहले ही निकाल रखी थी, tan अल्फा की वैल्यू मेरे पास पहले से थी। क्या थी सर, सर x अपॉन 2L थी। तो जरा tan अल्फा की वैल्यू x अपॉन 2L पुट करो यहाँ पे, x अपॉन 2L इज इक्वल टू KQ square अपॉन x square mg, kq square upon x square mg। यहां से ध्यान से देखो बेटा, तो ये x square हम इधर भेज सकते हैं, ये बन जाएगा x cube is equal to 2l upon mg into q square, 2l upon mg into q square। मतलब मैं कहीं ना कहीं ऐसा देख सकता हूं कि q square is proportional to x cube, q square is proportional to x cube। या अगर मैं दोनों तरफ रूट लगा लूं तो मैं लिख सकता हूं q is proportional to x की पावर 3/2, q is proportional to x की पावर 3/2। क्वेश्चन में साफ साफ कहा गया है कि चार्ज स्टार्ट लीकिंग फ्रॉम स्क्वायर एट अ कांस्टेंट रेट, मतलब अगर मैं इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करूं तो इधर dq/dt आएगा, और dq/dt कांस्टेंट है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो मैं दोनों तरफ एक बार डिफरेंशिएशन करता हूं, मैं दोनों तरफ बेटा क्या करता हूं बेटा एक बार डिफरेंशिएशन करता हूं, तो dq/dt एक कांस्टेंट हो जाएगा प्रोपोर्शनल टू x की पावर 3/2 का डिफरेंशिएशन आएगा 3/2 x की पावर 1/2, और खुद x का आ जाएगा dx/dt। अरे बाप रे बाप, dx/dt क्या होता है बच्चों, dx/dt सर वेलोसिटी होती है, आपने बहुत बार पढ़ाया है और हमें बहुत अच्छे से ये बात पता भी है। ये dx/dt कुछ और नहीं है बेटा बल्कि क्या है, वेलोसिटी है। तो बहुत ध्यान से देखो आपको ऐसा लगेगा यहां से बेटा मैं यहां पे कंटिन्यू कर रहा हूं अपना सॉल्यूशन, यहां पे कंटिन्यू कर रहा हूं, ध्यान से देखो यहां से आपको दिखेगा कि कांस्टेंट इज प्रोपोर्शनल टू 3/2 एक्स की पावर 1/2 इंटू वी, 3/2 इंटू एक्स की पावर 1/2 इंटू वी। यहां से देखो ध्यान से बेटा, यहां से आपको मिलेगा वी इज प्रोपोर्शनल टू
वी इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन एक्स की पावर 1 बाई 2, 1 अपॉन एक्स की पावर 1 बाई 2, और इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं वी इज प्रोपोर्शनल टू एक्स की पावर माइनस 1 बाई 2। जरा देखो ऐसा कोई ऑप्शन है क्या हमारे पास एक्स की पावर माइनस 1 बाई 2? सर बी ऑप्शन में ऐसा लिखा हुआ है वी प्रोपोर्शनल टू एक्स की पावर माइनस 1 बाई 2, तो ये बी ऑप्शन ही उस साल 2011 में इस सवाल का आंसर रहा होगा। बहुत ही ज्यादा अच्छा सवाल है, थोड़ा सा लॉजिकल है, आप ध्यान से समझो, कुछ कॉन्सेप्ट्स लगाए हैं हमने यहाँ पे, अजम्पशंस लिए हैं और तब जाके हम अपने आंसर पे पहुंच पाए हैं। तो बहुत ही अच्छा सवाल है, आप लोग ध्यान से वीडियो को पॉज करो, दोबारा एक बार इस सवाल को देखने का मन हो तो देखो और बहुत तरीके से अपनी कॉपी में नोट कर लो। तो बेटा हम लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक अब शुरू करते हैं जो कि है कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। कूलम्स लॉ इन बेटा वेक्टर फॉर्म, पहली बात तो ये कि समझो इस क्वेश्चन की अहमियत या फिर इस टॉपिक की अहमियत समझो पहले। तो कई बार हमको क्या होता है, दो चार्ज पार्टिकल्स के सिर्फ कोऑर्डिनेट्स दिए होते हैं, मान लो जैसे एक चार्ज है 2.1 पे, एक चार्ज है मान लो 3.4 पे, हमसे कहता है कि बताओ 2.1 पे रखा हुआ चार्ज 3.4 पे रखे हुए चार्ज पे कितना फोर्स एक्सर्ट कर रहा है। अब अगर मुझे ये सवाल सॉल्व करना है तो उसके लिए मुझे कूलम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म वाला मेथड आना चाहिए, उसके बिना ये सवाल मेरे से सॉल्व जल्दी नहीं होगा सर, जल्दी सॉल्व नहीं होगा। एक और कारण है इस पर्टिकुलर टॉपिक को पढ़ने के लिए, एक और बहुत बड़ा रीजन है इस पर्टिकुलर टॉपिक को सीखने के लिए, वो ये है कि अगर जैसे हम लोगों ने जितने भी सवालों से अब तक डील किया 2-डायमेंशनल क्वेश्चंस थे वो, पर अगर कभी कोई क्वेश्चन 3-डायमेंशनल हो जाए, अगर कभी कोई क्वेश्चन बच्चों 3-डायमेंशनल हो जाए तो उसको वेक्टर फॉर्म से ही आप सॉल्व कर पाओगे, जो नॉर्मल मेथड अभी तक आप सीखते हैं उससे आप इसको सॉल्व नहीं कर पाओगे। ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट या कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ही बेसिक सी बातें करेंगे और बहुत ही इजीली आपको समझ में आएगा, बिल्कुल ध्यान से देखते चलो बस आप लोग। मैंने क्या किया है, मैंने ऐसा मान लिया है कि मेरे पास दो चार्ज पार्टिकल्स हैं Q1 और Q2, दो चार्ज पार्टिकल्स हैं Q1 और Q2। Q1 का जो पोजीशन वेक्टर है वो है R1 वेक्टर, Q1 का पोजीशन वेक्टर क्या है बेटा R1 वेक्टर, और Q2 का पोजीशन वेक्टर क्या है बेटा R2 वेक्टर। तो बेटा एक चीज और मैं मान लेता हूं कि Q1 से Q2 का जो पोजीशन है, ये जो वेक्टर दिख रहा है आपको, इसको मैं मान लेता हूं बेटा क्या R वेक्टर, इसको मैं क्या मान लेता हूं बेटा R वेक्टर। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनो, मेरा सवाल क्या है, पहले बात तो ये मुझे निकालना है Q2 पे Q1 की वजह से क्या फोर्स लग रहा होगा, मुझे ये कैलकुलेट करना है। तो Q2 पे Q1 की वजह से जो भी फोर्स होगा, बिल्कुल बेसिक प्रॉपर्टी पे चलो, वो होगा सेंट्रल फोर्स ही, मतलब इस लाइन पे ही होगा कहीं ना कहीं। अगर Q1 Q2 सेम नेचर के चार्ज है तो वो फोर्स रिपल्सिव होगा, मतलब दूर की तरफ होगा, और अगर Q1 Q2 अपोजिट चार्जेस हैं तो फोर्स अट्रैक्टिव होगा, मतलब Q1 की तरफ होगा। अब मेरी बात बिल्कुल ध्यान से सुनो, आप सबको आपकी स्क्रीन पे एक ट्रायंगल दिख रहा होगा तीन वेक्टर्स की मदद से मिलने वाला। इन तीनों ट्रायंगल में अगर मैं वेक्टर लॉ, लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स का ट्रायंगल लॉ के बारे में सोचूं तो कौन से दो वेक्टर का सम किसके बराबर होगा, क्या आप बता सकते हो कौन से दो वेक्टर का सम किस तीसरे वेक्टर के बराबर होगा? हाँ सर, ये तो बहुत ज्यादा आसान चीज है, आपने कहा था वो वाला वेक्टर खोजा करो जहां टेल से टेल, हेड से हेड मिल रहा हो, जहां टेल हेड से हेड मिल रहा हो, वही हमारा रिजल्टेंट होता है, वही हमारा रिजल्टेंट होता है। तो क्या बेटा मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, क्या बेटा मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि R1 वेक्टर प्लस R वेक्टर ही R2 वेक्टर है। हां सर बिल्कुल लिख सकते हो, बिल्कुल सही लिखा है आपने। तो यहां से बेटा R वेक्टर की वैल्यू निकालो सर, R वेक्टर कितना आएगा बेटा, ये आ जाएगा R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। अब बहुत ध्यान से देखो, R वेक्टर निकालना मेरे लिए बहुत जरूरी था, अच्छा यहां से मुझे अगर मॉड यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ R वेक्टर जानना हो तो क्या हो जाएगा सर, वो हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। चलो अब जरा फॉर्मूला लगाते हैं सर, बहुत ही आसान सा फॉर्मूला जो कूलम ने हमें सिखाया था कि आखिर Q1 और Q2 के बीच कितना फोर्स लग रहा होगा। अगर मुझे वो फोर्स यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैलकुलेट करना है तो F इलेक्ट्रोस्टैटिक निकल के आएगा Q1 और Q2 के बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर। कितनी है इनके बीच की डिस्टेंस सर, मॉड R वेक्टर ही तो है, तो अपॉन मॉड ऑफ
आर वेक्टर का स्क्वायर अपॉन मॉड ऑफ आर वेक्टर का स्क्वायर। इसके साथ सर मुझे वेक्टर फॉर्म में सीखना है कूलम लॉ। किस फॉर्म में सीखना है? वेक्टर फॉर्म में। तो मैं इसमें एफ ई का मैग्नीट्यूड नहीं बल्कि डायरेक्शन की बात करता हूँ। किसकी बात करता हूँ बच्चों? डायरेक्शन की बात करता हूँ। तो ये बात कन्फर्म है सर, ये बात कंफर्म है सर कि जो आर वेक्टर है, ये जो आर वेक्टर है या तो इसी की डायरेक्शन में या तो ठीक इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा हमारा वो पर्टिकुलर फोर्स, वो पर्टिकुलर फोर्स। तो इस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर क्या कहलाएगा बेटा? अगर इस डायरेक्शन में एक वेक्टर है आर वेक्टर, तो इस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर होगा आर कैप। क्या होगा बच्चों? आर कैप। तो मैं इसी फॉर्मूले में और क्या लगा सकता हूँ लास्ट में? आर कैप। ध्यान देना बेटा, मैं रिपीट कर दे रहा हूं अगर आप भूल गए होगे तो। आर कैप इज अ यूनिट वेक्टर अलोंग आर वेक्टर। आर वेक्टर की डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर है और यूनिट वेक्टर का काम ही था सही डायरेक्शन बता देना हम लोगों को। यूनिट वेक्टर का काम क्या था बच्चों? सही डायरेक्शन बता देना। तो ये निकल के आया हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वेक्टर फॉर्म में। इसको थोड़ा सा और अच्छे से लिखने की कोशिश करते हैं, जिस तरीके से हमें चीजों को याद रखना है। यहां से एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक वेक्टर निकल के आएगा k टाइम्स ऑफ q1 q2 अपॉन अपॉन क्या बेटा? मैं r कैप को, क्या बेटा? मैं r कैप को r वेक्टर अपॉन मॉड r वेक्टर लिख सकता हूं। हां सर लिख सकते हो। क्यों? क्योंकि हमें पता है a कैप इज एक्चुअली a वेक्टर अपॉन मॉड a वेक्टर, ही तो होता ही है फॉर्मूला सर। बिल्कुल लिख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। तो r कैप को मैं लिख सकता हूं r वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ r वेक्टर, और पहले से मॉड ऑफ r वेक्टर का स्क्वायर था तो ये हो जाएगा मॉड ऑफ r वेक्टर का क्यूब, k q1 q2 अपॉन मॉड ऑफ r वेक्टर का क्यूब इनटू r वेक्टर। अब ध्यान से देखो इसको मैं कैसे लिखता हूं बेटा। इसको मैं लिख लूंगा k q1 q2, k q1 q2 अपॉन मॉड ऑफ r वेक्टर इज मॉड ऑफ r2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। तो मॉड ऑफ R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर इनटू R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, ये होता है हमारा, ये होता है हमारा वेक्टर फॉर्म में कूलम फोर्स का फॉर्मूला। वेक्टर फॉर्म में कूलम फोर्स का फॉर्मूला जो हमारे जहन में, हमारी रगों में हर समय बहना चाहिए, हमको याद होना चाहिए बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से। तो कूलम फोर्स का फॉर्मूला निकल के आया है k q1 q2 r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर का क्यूब, मॉड ऑफ r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर का क्यूब। कुछ बहुत छोटी छोटी बातें, बहुत छोटी छोटी बातें पर बहुत इंपॉर्टेंट बातें याद रखनी है हमको। पहला, जब भी हम कूलम लॉ को वेक्टर फॉर्म में यूज कर रहे होंगे, जब भी हम कूलम लॉ को बच्चों वेक्टर फॉर्म में यूज कर रहे होंगे, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो हमें याद रखनी है वो ये है कि इस बार आपको चार्ज को उसके साइन के साथ रखना होगा। याद रखना ये चीज, चार्जेस विल बी यूज्ड अलोंग विद देयर साइन। फॉर एग्जांपल अगर ये 8 कूलम होता, ये माइनस 4 होता, तो मैं क्यूबन को यहाँ पे 8 और क्यू टू को माइनस 4 लिखता। इससे पहले मैंने ऐसा आपको बिल्कुल नहीं बोला था, मैंने पहले आपसे कहा था डायरेक्शन डिसाइड कर लो और साइन से कुछ लेना देना नहीं है, मॉड लगा लगा के आंसर निकालते चलो। पर अगर आप कूलम लॉ को वेक्टर फॉर्म में सॉल्व कर रहे हो तो बहुत जरूरी है पहला पहला पॉइंट याद रखना कि दोनों ही चार्ज को उनके साइन के साथ यूज करोगे। चाहो तो वीडियो पॉज कर लो एक बार और रिचार्ज लिख लो कि कूलम लॉ जब वेक्टर फॉर्म में इस्तेमाल होगा तो चार्जेस को उनके साइन के साथ यूज करना है। हम इस चीज में गलती नहीं करेंगे, हम इस चीज में गलती नहीं करेंगे। और दूसरा, दूसरा जो पॉइंट हमारे को याद रखना है, आर टू वेक्टर को उसको बोलते हैं। देखो बच्चा अक्सर कंफ्यूज होता है, जिससे मान लो मैंने कहा एक चार्ज है 2.1 पे, एक है 3.4 पे, तो वो दो वेक्टर तो बना लेता है कि 2i plus 1j है एक और 3i plus 4j है एक, वो दो वेक्टर तो बना लेता है। r2 किसको मानना है, r1 किसको मानना है, वो यहां गलती कर देता है। तो गलती ऐसी हमसे नहीं होनी चाहिए और हमको याद क्या रखना है, r2 हमेशा उस चार्ज का पोजिशन वेक्टर है जिस पर फोर्स निकालना है। r2 हमेशा उस चार्ज का पोजिशन वेक्टर है जिस पर फोर्स निकालना है, और r1 हमेशा उस चार्ज का पोजीशन वेक्टर है जिसने फोर्स एक्सर्ट किया है, जिसने फोर्स एक्सर्ट किया है। तो गलती नहीं होनी चाहिए, मैंने दो ही छोटी छोटी बातें आपसे बोली हैं। पहला पॉइंट ये बोला है कि ये फॉर्मूला आपके रगों में बहना चाहिए, आपके जहन में बहना चाहिए, आपको रटा होना चाहिए। दूसरा, इस फॉर्मूले में दो खास बातें हैं वो ये है कि फॉर्मूला इस्तेमाल करते समय जो भी चार्जेस आपको नजर आ रहे हैं वो उनके साइन के साथ यूज करना है, और तीसरा आर टू हमेशा उस चार्ज का पोजिशन वेक्टर रखना है जिस पर हमें फोर्स निकालना है, और R1 उस चार्ज का पोजीशन वेक्टर होगा जिस ने फोर्स
फोर्स एग्जर्ट किया है। तो वीडियो पॉज करो, तुरंत नोट करो और मैं एक दो सवाल इस पे, कम से कम दो सवाल इस पे अच्छे अच्छे प्रैक्टिस करा देता हूँ, ताकि आप लोग का कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाए। तो जल्दी से इसको नोट कर लो बच्चों। तो बच्चों एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन इस समय आपको बोर्ड पर नजर आ रहा होगा, बस प्रैक्टिस करनी है हमें कूलम लॉ को वेक्टर फॉर्म में यूज करने के लिए। क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड कूलम फोर्स ऑन चार्ज कैपिटल क्यू जिसका मैग्नीट्यूड दे रखा है -5 कूलम ड्यू टू चार्ज स्मॉल क्यू जिसका मैग्नीट्यूड दे रखा है +2 कूलम। इसके अलावा हमें और क्या क्या दे रखा है, हमें कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू की पोजीशंस भी दे रखी है। कैपिटल क्यू की पोजीशन है 6.8, कैपिटल क्यू कहाँ रखा है बेटा 6.8 पे, और स्मॉल क्यू कहाँ रखा हुआ है बेटा 2.3 पे। स्मॉल क्यू रखा हुआ है बच्चों 2.3 पे। तो हमें काम करना है, हमें ये पता करना है कि कैपिटल क्यू पे कितना फोर्स लग रहा है स्मॉल क्यू की वजह से। एक मिनट, क्या मैंने ये बोला कि कैपिटल क्यू पे कितना फोर्स लग रहा है? मतलब जहां भी कैपिटल क्यू नजर आ रहा है, जहां भी कैपिटल क्यू नजर आ रहा है वो टू की तरह काम करेगा, वो टू की तरह काम करेगा। क्यू पे कितना फोर्स लग रहा है स्मॉल क्यू की वजह से, मतलब क्या स्मॉल क्यू लगा रहा है फोर्स, तो स्मॉल क्यू किसकी तरह काम करेगा बेटा 1 की तरह। तो याद रखना ये किसकी तरह काम करेगा, सेकंड पोजीशन की तरह, ये किसकी तरह करेगा फर्स्ट की तरह। अब चलो ध्यान से देखते हैं, जो फॉर्मूला हमने पढ़ा उसका इस्तेमाल करेंगे आंसर निकालेंगे बहुत ही आसान तरीके से। सर आपने कहा था वेक्टर फॉर्म में जो कूलम का फॉर्मूला निकल के आया था वो आएगा एफ वेक्टर इज इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू अपॉन मॉड ऑफ आर टू वेक्टर माइनस आर वन वेक्टर का क्यूब, और इधर आया था आर टू वेक्टर माइनस आर वन वेक्टर। सबसे पहले आर टू वेक्टर और आर वन वेक्टर हमें पता होना चाहिए। तो आर टू इज द पोजिशन वेक्टर ऑफ चार्ज ऑन विच फोर्स इज अप्लाइड, जिस पर फोर्स लगा है। तो किस पे लगा है, कैपिटल क्यू पे लगा है। कैपिटल टू के कोऑर्डिनेट्स क्या है बेटा 6.8, कैपिटल क्यू के कोऑर्डिनेट्स क्या है बच्चों 6.8। तो यहां से मुझे समझ में आ गया कि आर टू वेक्टर कितना हो गया बेटा, आर टू वेक्टर कितना हो गया 6.8 का मतलब होता है x एक्सिस में 6, y एक्सिस में 8। तो इसको मैं लिख सकता हूं 6i कैप प्लस 8 जी कैप। और इस तरीके से बेटा आर वन वेक्टर क्या निकल के आएगा, आर वन वेक्टर निकल के आएगा 2i कैप प्लस 3j कैप। तो आर टू मिल चुका है, आर वन मिल चुका है, अब बस हमें सारी चीजों को यहां पे सही तरीके से यूज करना है ताकि हमारा आंसर आ सके। चलो एक एक चीज की वैल्यू पुट करना शुरू करो। मैं इसको लिख सकता हूं के Q1 मैं लिखूंगा +2, Q2 मैं लिखूंगा -5। ध्यान देना मैंने -5 लिखा है, 5 नहीं लिखा। R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, दो वेक्टर को सब्ट्रैक्ट कैसे करोगे बेटा, I में से I सब्ट्रैक्ट कर दोगे, J में से J सब्ट्रैक्ट कर दोगे। तो 6i माइनस 2i कितना बचेगा बच्चों 4i कैप प्लस 8i माइनस 3 सॉरी 8j माइनस 3j प्लस 5 जे कैप, 4i कैप प्लस 5 जे कैप अपॉन आर टू वेक्टर माइनस आर वन वेक्टर, मतलब ये आर टू वेक्टर माइनस आर वन वेक्टर का मैग्नीट्यूड का क्यूब। किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं सर, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से। तो अंडर रूट ऑफ 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16 होता है सर, 5 का स्क्वायर 25 होता है, और इसका क्यूब, इसका क्यूब देखो ध्यान से कितना निकल के आएगा बच्चों, ये निकल के आएगा माइनस का 10k अपॉन 25 प्लस 16 41। क्यूब करना है तो दो बार तो स्क्वायर आ जाएगा, एक बार अंडर रूट 41 बचा रह गया होगा, दो बार का मतलब स्क्वायर का, तो एक 41 बाहर आ गया और एक रूट वाला 41 वहीं रह गया होगा। साथ में डायरेक्शन भी पता होनी चाहिए, तो 4i कैप प्लस 5j कैप। देखो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हमारे पास आ चुका है, वो फोर्स जो कैपिटल क्यू पे स्मॉल क्यू ने एग्जर्ट किया है उसका। तो बेहद ही आसान सवाल था, हमको कूलम लॉ को वेक्टर फॉर्म में यूज करना सिखाता था ये सवाल। तो बहुत ही ध्यान से आप लोग इस क्वेश्चन को नोट करोगे, और फिर से एकदम कल की तरह आज के लेक्चर में भी हम एक सवाल ऐसा लेते हैं जो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि आप आंसर क्या निकाल के ला रहे हो। उसमें मैं कुछ ज्यादा बड़ा सवाल आपसे नहीं पूछूंगा। देखो मैं आपसे क्वेश्चन क्या करता हूं, मैं बस डाटा चेंज कर रहा हूं, बस थोड़ा सा डाटा चेंज करता हूं। इस बार कैपिटल क्यू की वैल्यू प्लस 8 कूलम,
स्मॉल क्यू की वैल्यू, स्मॉल क्यू की वैल्यू प्लस 5 कूलम, कैपिटल क्यू की पोजीशन, कैपिटल क्यू की पोजीशन 4.1 और स्मॉल क्यू की पोजीशन 1.-3 ले लेते हैं, काम करते हैं 1.-3। चलो बहुत ही ज्यादा आसान सवाल है बेटा, क्या करना है आपको, क्या करना है आपको, फिर से कूलम लॉ वेक्टर फॉर्म में जो मैंने आपको सिखाया उस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, फाइनली एक फोर्स निकल के आएगा। मुझे पूरा फोर्स कमेंट में नहीं चाहिए, मुझे उस फोर्स में यहाँ एक वेक्टर जरूर, जैसे इस सवाल में ये वेक्टर आ रहा है बेटा बनके, जैसे सवाल में ये वेक्टर बनके आ रहा है, मेरा मकसद बस इतना ही है, ये सही वेक्टर आप वहां पे लिखोगे। मुझे R2 वेक्टर -R1 वेक्टर की वैल्यू कमेंट सेक्शन में चाहिए, तो आप जरूर से सवाल को करना और कमेंट जरूर करना, ताकि मुझे पता चले कि हाँ आप वीडियो लेक्चर को बहुत ही ध्यान से समझ भी रहे हो और देख भी रहे हो। तो ये पूरा क्वेश्चन है, जो होमवर्क वो भी नोट कर लो, जो मैंने सिखाया उसे दोबारा सीखना हो तो वीडियो एक बार दोबारा देख लो। PDF मैंने आपको पिछले लेक्चर दिया था, उसमें कूलम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म पहले ही एडेड है। आज जो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड अभी शुरू करूंगा कुछ देर के बाद, उसका नया PDF आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, तो उसके लिए बिल्कुल भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इस क्वेश्चन को अच्छे से नोट करो और जो होमवर्क है उसको जरूर करो। चलो नोट करो बच्चों, चलो बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं कूलम लॉ के वेक्टर फॉर्म के ऊपर जो है, और ये क्वेश्चन मैंने एक 3-डायमेंशनल फिगर के ऊपर किया है। आप बोर्ड को पहले बहुत ध्यान से समझ लो ये फिगर कैसा है बेटा, ये आपको दिख रोम्बस जैसा रहा होगा लेकिन ये रोम्बस नहीं है बच्चों, ये स्क्वायर है, ये पूरे एंगल 90 डिग्री है, पर ये स्क्वायर ऐसे है इस तरीके से, जो कि मैं बोर्ड पे नहीं बना सकता, वो तो मैंने आपको जस्ट जो मेरे लिए मैक्सिमम पॉसिबल हो सकता था मैंने उस तरीके से आपको दिखाने की कोशिश की है। तो याद रखना ये सारे ही स्क्वायर है, ये पूरे जो तुम्हारे को फिगर दिख रहा है ये स्क्वायर है, जिसकी हर एक साइड √2d के बराबर है, √2d के बराबर है, ध्यान देना, ये भी √2d, ये भी √2d, ये भी √2d और ये भी √2d के बराबर है। इस स्क्वायर के हर कॉर्नर पे स्मॉल q चार्ज रखा हुआ है, इस स्क्वायर के हर कॉर्नर पे स्मॉल q चार्ज रखा है, क्योंकि चार्ज के बारे में मुझे और कुछ नहीं बताया है तो मैं इन्हें पॉजिटिव मान के चलूंगा। और साथ में ये भी कहता है कि इस स्क्वायर का कहीं ना कहीं सेंटर होगा, उस सेंटर से d डिस्टेंस ऊपर एक और चार्ज रखा हुआ है स्मॉल q, उस सेक्टर से d डिस्टेंस ऊपर बेटा एक और स्मॉल q चार्ज रखा हुआ है। तो फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, ये स्क्वायर है जो कि मान लीजिए ऐसे कुछ है, इसके सेंटर से d डिस्टेंस ऊपर एक पांचवा चार्ज है, फिगर 3-डायमेंशन में आ चुका है क्योंकि चार चार्जेस ऐसे रखे हुए हैं और एक चार्ज बिल्कुल ऐसे ऊपर आ चुका है। हमसे कहता है ये जो फिफ्थ चार्ज है, ये जो फिफ्थ चार्ज है, इस पे बाकी चारों चार्जेस की वजह से क्या नेट फोर्स लग रहा होगा वो पता करो, व्हाट इज द नेट net force acting on fifth on charge placed at point 5 due to all other charges। देखो बहुत ही अच्छा सवाल है और देखो मैं किस तरीके से आपको फील कराता हूं, उससे पहले एनर्जी आना बहुत जरूरी है हमारे अंदर, क्योंकि बिना एनर्जी के सवाल समझ में आने वाला नहीं है। एक मिनट मुझे अपना लाल वाला मार्कर देख लेने दो, चलो कोई इशू नहीं है, हम लोग समझते हैं, हमको ऐसा कंफ्यूजन नहीं आना चाहिए यहां पे। सबसे पहले आप ध्यान दो इस स्क्वायर की हर एक साइड √2d है, ये √2d है, ये √2d है, ये √2d है, तो जरा बच्चों बताओ ये जो डायगनल है ये कितना बड़ा होगा, ये डायगनल कितना बड़ा होगा, क्या बता सकते हो? सर हाँ, स्क्वायर का डायगनल होता है अंडर रूट ऑफ साइड का स्क्वायर प्लस साइड का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, याद करो बेटा कुछ ऐसे तो निकाला करते थे। अगर मैं यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला यूज करता हूं तो इस स्क्वायर का डायगनल कितना निकल के आएगा बच्चों, इस स्क्वायर का डायगनल निकल के आएगा, इस स्क्वायर का डायगनल डायगनल निकल के आएगा अंडर रूट ऑफ √2d का स्क्वायर मतलब 2d स्क्वायर प्लस √2d का स्क्वायर मतलब 2d स्क्वायर, ये आ जाएगा सर 4d स्क्वायर, 4 का 2 बाहर आ जाएगा, d स्क्वायर का d बाहर आ जाएगा, तो डायगनल पूरा का पूरा बेटा 2d डिस्टेंस के बराबर आएगा, डायगनल पूरा का पूरा बच्चों 2d डिस्टेंस के बराबर आएगा। तो ये जरा मुझे ये बताओ अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट ये है कि सर मिड पॉइंट से इस एक भी चार्ज की दूरी कितनी होगी, सर ये होगी अगर पूरी 2d तो ये आधी होगी पक्का d के बराबर, ये आधी डिस्टेंस कितनी निकल के आएगी बच्चों d के बराबर, ध्यान देना इसके बिना मेरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता, इसलिए मुझे यहां तक आना ही आना था। अभी एक चीज और भी बची है, वो ये बचा है कि हर चार्ज से
हर चार्ज से इस स्मॉल क्यू की क्या दूरी है जो फिफ्थ पॉइंट पे रखा हुआ है। तो सर हर चार्ज से इस स्मॉल क्यू की दूरी ये है, इस स्मॉल क्यू की दूरी ये है, और ये कैसे कैलकुलेट की जा सकती है बेटा? ये कैलकुलेट करोगे आप इस ट्राइंगल की हेल्प से, इस ट्राइंगल की हेल्प से। ध्यान से देखना बेटा इस ट्राइंगल को, ऐसा नहीं है कि ये फिगर बोर्ड पे बना है, मैंने पहले बताया थ्री डायमेंशनल फिगर है। तो देखो ये और ये और ये, इसमें ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेन्यूज की तरह नजर आ रहा होगा। अगर मैं इस लेंथ को, अगर मैं इस लेंथ को स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करूं, तो स्मॉल आर इज एक्चुअली अंडर रूट ऑफ ये डिस्टेंस का स्क्वायर, मतलब अंडर रूट ऑफ डी का स्क्वायर प्लस इस डिस्टेंस का स्क्वायर। वो सवाल में पहले से कितनी दे रखी है, डी का स्क्वायर, डी का स्क्वायर ये फिर से कितना निकल जाएगा, रूट टू टाइम्स ऑफ डी, रूट टू टाइम्स ऑफ डी के बराबर। तो हर एक चार्ज से उस फिफ्थ चार्ज की दूरी है रूट टू डी के बराबर। अब देखो ध्यान से बेटा, ये जो पूरा का पूरा फिगर था, इसको थोड़ा सा और सिंपलीफाई करने के लिए मैं कुछ कोऑर्डिनेट सिस्टम का यूज करता हूं। मैं क्या करता हूं, मैं चार चार्जेस को एक स्क्वायर पे रख देता हूं, एक स्क्वायर पे रख देता हूं। मान लो एक यहां, एक यहां, एक यहां और एक यहाँ। ये तो मेरे वो चार चार्जेस हो गए जो मुझे सवाल में दे रखे थे। तो मुझे पता है, मुझे अच्छे से पता है कि ये जो डिस्टेंस है ये कितनी है बेटा, रूट टू डी के बराबर, क्योंकि मेरे स्क्वायर की हर एक साइड रूट टू डी के बराबर थी। ये भी कितनी होगी बेटा, रूट टू डी के बराबर, ये भी रूट टू डी के बराबर और ये भी रूट टू डी के बराबर। ये चारों ही साइड्स मुझे पता चल चुकी है, ये है मेरे स्मॉल क्यू, ये भी स्मॉल क्यू, ये भी स्मॉल क्यू और ये भी स्मॉल क्यू। पांचवा चार्ज कहाँ है सर, पांचवा चार्ज कहाँ है, पांचवा चार्ज बीचों बीच से डी डिस्टेंस ऊपर है। मैं यहां नहीं बना पाऊंगा, मैं यहाँ पे नहीं बना पाऊंगा, पर मैं आपको यहां पर रिप्रेजेंट करके दिखा रहा हूं। याद रखना बेटा ये ओरिजिन नहीं है, ये ओरिजिन नहीं है, ये ओरिजिन से डी आगे एक पॉइंट है, ओरिजिन से डी आगे एक पॉइंट है। मैंने ऐसा क्यों किया, जैसा आपने ऐसा क्यों किया, ऐसा इसलिए किया बच्चों, ऐसा इसलिए किया ताकि मुझे इस हर एक चार्ज का पोजीशन पता चल सके। जैसे जैसे मान लेते हैं इस स्क्वायर में ये मेरा फोर्थ वाला चार्ज था, ये मेरा फोर्थ वाला चार्ज था, तो देखो ये एक्स एक्सिस पे जीरो पे है, वाई एक्सिस पे डी डिस्टेंस पे है। कैसे पता सर डी, क्योंकि सर आप ही ने अभी तो बताया था कि पूरा डायगनल 2d होता है, पूरा डायगनल 2d होता है, तो ये डिस्टेंस तो डी ही होगी ना। तो देखो इस वाले चार्ज के जो कोऑर्डिनेट्स निकल के आए, इस वाले चार्ज के कोऑर्डिनेट्स निकल के आए एक्स में जीरो, वाई में डी और जेड में भी जीरो, जीरो कॉमा डी कॉमा जीरो। तो सर इसके कोऑर्डिनेट्स भी इस तरीके से आप निकाल लोगे, हाँ निकाल लेंगे, क्या निकालोगे, एक्स में डी, वाई में जीरो, जेड में भी जीरो, एक्स में डी, वाई में जीरो, जेड में भी जीरो। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे सर, इसके कोऑर्डिनेट्स आएंगे एक्स में जीरो, वाई में माइनस डी और जेड में भी जीरो, एक्स में जीरो, वाई में माइनस डी और जेड में भी जीरो। और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे बच्चों, इसके कोऑर्डिनेट्स आएंगे एक्स में माइनस डी, वाई में जीरो और जेड में भी जीरो, एक्स में माइनस डी, वाई में जीरो और जेड में भी जीरो, जेड में भी जीरो। चलो अब ध्यान से देखो, हमने चार चार्जेस के कोऑर्डिनेट तो लिख लिए, हमें उस चार्ज का कोऑर्डिनेट भी तो जानना है जिस पे हम नेट फोर्स निकालना चाहते हैं। तो जो पांचवा चार्ज है वो कहां है, ओरिजिन पे है, नहीं बच्चों ओरिजिन पे नहीं है सर, कहां है, ये सेंटर से डी डिस्टेंस आगे है, सेंटर से डी डिस्टेंस आगे है, तो जेड एक्सिस में हो गया ना बच्चों। देखो इसका एक्स भी जीरो है, वाई भी जीरो है, जेड डी के बराबर है। तो जो पांचवा चार्ज है क्यू, इसके कोऑर्डिनेट आएंगे 0, 0, d, और ये पांचवा चार्ज ही q2 की तरह काम कर रहा होगा, मतलब जिस पे फोर्स निकालना है। तो एक काम करते हैं, सारे चार्ज को कुछ नंबर दे देते हैं, मान लेते हैं इसको 4, ये वाला हो जाएगा हमारा, ये वाला हो जाएगा हमारा 3, ये हो जाएगा हमारा 2, ये हो जाएगा हमारा 1 और ये था हमारा 5। अब मुझे एक एक करके हर चार्ज ने इस चार्ज पे क्या फोर्स लगाया है, हर चार्ज ने इस चार्ज पे क्या फोर्स लगाया है मुझे ये निकालना है। हर चार्ज ने फिफ्थ पॉइंट पे रखा हुआ जो चार्ज है उस पर क्या फोर्स लगाया है ये कैलकुलेट करना है। तो देखो मैं कैसे करता हूं, सबसे पहले मैं आपके सामने लिखता हूं फोर्स ऑन 5 ड्यू टू 1, फोर्स ऑन 5 ड्यू टू 1, फोर्स ऑन 5 ड्यू टू 1। 1 कहां है भाई, 1 ये रहा सर, 1 ये रहा, फोर्स कहां है तो फिफ्थ ये रहा। तो आर टू वेक्टर कितना है, क्योंकि फिफ्थ पे निकालना है फोर्स, तो आर टू वेक्टर है 0i प्लस 0j प्लस dk कैप, और R1 क्या बनेगा, माइनस डी आई प्लस 0j प्लस 0k कैप। तो R2 वेक्टर भी पता है, R1 वेक्टर भी पता है, और दोनों के बीच की सेपरेशन d के बराबर है, ये बात भी हमें अच्छे से पता है। सॉरी, दोनों के बीच की सेपरेशन d के बराबर नहीं है, दोनों के बीच की सेपरेशन स्मॉल r के बराबर है, जो कितना है रूट टू डी, ये बात भी हमें अच्छे से पता है। तो जो फॉर्मूला आएगा वो आएगा के क्यू वन क्यू टू क्यू स्क्वायर हो गया होगा अपॉन
दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस का क्यूब, मतलब रूट टू डी का क्यूब, रूट टू डी का क्यूब इंटू आर टू वेक्टर माइनस आर वन वेक्टर। आर टू वेक्टर है जीरो आई प्लस जीरो जे प्लस डी के, जीरो आई प्लस जीरो जे प्लस डी के कैप। आर वन वेक्टर है माइनस डी आई जीरो जे और जीरो के कैप। चलो माइनस करो, जीरो आई कैप में से माइनस करो माइनस डी आई कैप, तो बन जाएगा प्लस डी आई कैप। क्या बनेगा बच्चा? प्लस डी आई कैप। क्या बनेगा बच्चों? प्लस डी आई कैप प्लस प्लस जीरो जे में से जीरो जे माइनस करो, सर जीरो जे ही बचेगा तो लिखने की जरूरत नहीं है, और डी के में से जीरो के माइनस करो तो बचेगा डी के। तो डी आई, ये क्या बना बेटा? डी आई कैप प्लस डी के कैप। ये आया मेरा फोर्स ऑन फाइव ड्यू टू वन, फोर्स ऑन फाइव ड्यू टू वन, फोर्स ऑन फाइव ड्यू टू वन। चलो भाई और भी निकालो, फोर्स ऑन फाइव ड्यू टू टू निकालो, फोर्स ऑन फाइव ड्यू टू टू निकालो। भाई टू कहाँ है? टू कहाँ है? टू ये रहा, तो टू का पोजिशन वेक्टर क्या बनेगा? जीरो आई कैप माइनस डी जे कैप जीरो के कैप। चलो ठीक है, तो निकालते हैं, फॉर्मूला लगाते हैं बेटा फाइव और टू के लिए। फॉर्मूला लगेगा के Q1 Q2 यानी कि Q स्क्वायर अपॉन दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस जो कि रूट टू डी के बराबर है, रूट टू डी का क्यूब, रूट टू डी का क्यूब। इसका पोजीशन वेक्टर, क्योंकि इस पर निकालना है फोर्स, माइनस इसका पोजीशन वेक्टर। तो देखो जीरो आई कैप माइनस जीरो आई कैप, तो जीरो आई कैप लिखने की जरूरत नहीं है। जीरो जे कैप माइनस माइनस डी जे कैप, तो जीरो जे कैप माइनस माइनस डी जे कैप हो जाएगा प्लस डी जे कैप। क्या हो जाएगा बेटा? प्लस डी जे कैप और डी के कैप माइनस जीरो के कैप, तो यह आ जाएगा प्लस डी के कैप प्लस डी के कैप प्लस डी के कैप। तो फोर्स ऑन फाइव ड्यू टू टू भी हमने निकाल लिया बहुत ही आसानी से। अगला काम क्या है भाई? अगला काम है फोर्स ऑन फाइव ड्यू टू थ्री वेक्टर निकालो। भाई आ जाएगा के क्यू स्क्वायर अपॉन रूट टू डी का क्यूब। चलो भाई पोजिशन वेक्टर पे काम करो। तो पांचवे का तो है जीरो आई प्लस जीरो जे प्लस डी के, तीसरे का है डी आई कैप प्लस जीरो जे कैप प्लस जीरो के कैप। जरा माइनस करो, तो जीरो आई कैप में से डी आई कैप माइनस करो, बचेगा माइनस डी आई कैप। जीरो जे कैप में से जीरो जे कैप माइनस करो तो बचेगा जीरो जे कैप, लिखने की जरूरत नहीं है। और डी के कैप में से जीरो माइनस करोगे तो बचेगा प्लस डी के कैप प्लस डी के कैप। ये हो गया भाई फोर्स ऑन फाइव ड्यू टू थ्री। अच्छा एक काम करो, फोर्स ऑन फाइव ड्यू टू फोर निकालो बेटा। तो फोर्स वेक्टर ऑन फाइव ड्यू टू फोर निकल के आएगा के क्यू स्क्वायर अपॉन रूट टू डी का क्यूब, जीरो आई कैप माइनस जीरो आई कैप, सर जीरो आई कैप लिखने की जरूरत नहीं है। जीरो जे कैप माइनस डी जे कैप, तो माइनस डी जे कैप सर लिख लो, कोई बुराई नहीं है, माइनस डी जे कैप। और डी के कैप माइनस जीरो के कैप, तो डी के कैप सर लिख लो, कोई बुराई नहीं है। क्या मैंने इंडिविजुअली चारों ही चार्जेस की वजह से पांचवे पॉइंट पे रखे हुए चार्ज पे निकालने वाला फोर्स लगा दी, मतलब लगने वाला फोर्स निकाल लिया है? हाँ सर आपने निकाल लिया है, पर मेरे को क्या ये निकालने को बोला गया है सवाल में? नहीं, मुझको तो नेट फोर्स बोला गया है। तो व्हाट विल बी नेट फोर्स? व्हाट विल बी नेट फोर्स? ध्यान से देखो बेटा, नेट फोर्स क्या होगा? एफ नेट वेक्टर होगा एफ फाइव वन वेक्टर प्लस एफ फाइव टू वेक्टर प्लस एफ फाइव थ्री वेक्टर प्लस एफ फाइव फोर वेक्टर, मतलब चारों का ही सम, चारों का ही सम। मुझे लगता है ये वाला पार्ट जो है, इतना पार्ट ही चारों में कॉमन है, इसको तो आप कॉमन ले लो सर, बिल्कुल कॉमन है तो कॉमन ले लो। तो कॉमन लोगे तो बचेगा एफ वेक्टर इज इक्वल टू के क्यू स्क्वायर अपॉन रूट टू डी का क्यूब। अब देखो ये है प्लस डी आई कैप, यहां पे कुछ आई में नहीं है, यहां है माइनस डी आई कैप, यहां फिर कुछ आई में नहीं है, तो प्लस डी आई माइनस डी आई को कैंसिल कर देगा, तो आई वाले सारे टर्म्स खत्म। यहां है कोई भी जे वेक्टर नहीं है, कोई भी जे की डायरेक्शन नहीं है, यहां पे है प्लस डी जे कैप, यहां पे फिर से कोई जे नहीं है, यहां है माइनस डी जे कैप, तो माइनस डी जे कैप प्लस डी जे कैप भी खत्म हो जाएंगे, जे में भी कुछ भी आंसर आने वाला नहीं है। यहां भी है डी के कैप, यहां भी है डी के कैप, वहां भी है डी के कैप, यहां भी है डी के कैप, डी के कैप। अगर आप चारों ही डी के कैप को एड करोगे तो बन जाएगा फोर डी के
कैप के बराबर, 4d के कैप के बराबर। जरा इसको आप थोड़ा और अच्छे से सॉल्व कर लो तो बन जाएगा के क्यू स्क्वायर अपॉन रूट टू डी का क्यूब, रूट टू डी का क्यूब हो जाएगा रूट टू का क्यूब इंटू डी का क्यूब, रूट टू का क्यूब आ जाएगा टू इंटू रूट टू इंटू रूट टू इंटू रूट टू, यानी कि टू रूट टू, टू रूट टू डी क्यूब। ऊपर है एक डी तो नीचे बचा रह गया होगा डी स्क्वायर, डी स्क्वायर, ऊपर एक और चीज रह गई है फोर, फोर से टू को कैंसिल कर लेते हैं, फोर से टू को कैंसिल कर लेते हैं तो ऊपर बचा रह जाएगा एक टू, ऊपर क्या बचा रह जाएगा बेटा एक टू, और डायरेक्शन आएगी के कैप। जरा महसूस करो पहले सवाल को, क्या हमने जो किया हम प्रैक्टिकली सोच सकते हैं कि हमारा आंसर सही है या नहीं? सर हाँ देखो सोचते हैं, ये चारों ही चार्ज, जो चार चार्ज बेटा ये रखे हुए हैं, पहला दूसरा तीसरा और चौथा, और ये बीचों बीच एक ये पांचवा चार्ज है, कहीं ना कहीं इस चौथे की वजह से इस पांचवे पे फोर्स ऐसे दूर लग रहा होगा, कहीं ना कहीं इस तीसरे की वजह से पांचवे फोर्स ऐसे लग रहा होगा, कहीं ना कहीं इसकी वजह से इस पे ऐसे आ रहा होगा, उसकी वजह से इस पे ऐसे आ रहा होगा। चार वेक्टर बन रहे होंगे यू, चार वेक्टर बन रहे होंगे यू, इन चारों ही वेक्टर का एक एक कंपोनेंट के डायरेक्शन में आना चाहिए, और इन चारों ही वेक्टर का एक एक कंपोनेंट आपस में एक दूसरे को अपोजिटली क्या कर देना चाहिए बच्चों, कैंसिल। मतलब क्या फील ऐसा आ रहा है कि हमारा आंसर सिर्फ के की डायरेक्शन में होना चाहिए था, और जब सॉल्व किया तो हमारा आंसर सिर्फ के की डायरेक्शन में आया। क्या आंसर पॉजिटिव के में होना चाहिए था, मतलब दूर की तरफ होना चाहिए था? हमारा आंसर पॉजिटिव के यानी कि दूर की डायरेक्शन में आया है, और इसीलिए मैंने आपसे कहा था बच्चों वेक्टर फॉर्म में कूलम लॉ को सीखना बेहद इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो थ्री डायमेंशन के क्वेश्चन होंगे वो वेक्टर फॉर्म से करना ही बहुत ज्यादा आपको आसान लगेगा। अब मैं आपके क्यूब दे दूं, क्यूब के आठों कॉर्नर पर रख दूं, फिर किसी एक पे बाकी की वजह से पूछूं, तो आप ऐसे ही ना करोगे, क्यूब के हर एक पॉइंट को कोऑर्डिनेट दोगे, फिर वेक्टर्स निकालोगे, आठ बार फॉर्मूले या सात बार जो भी पेयर बन रहे होंगे उनके फॉर्मूले लिखोगे, लास्ट में सारे वेक्टर ऐड कर दोगे, आपका आंसर आ जाएगा। उम्मीद है ये बहुत ही शानदार सवाल था और आप सबको भी बहुत ही आसानी से समझ में आया होगा, आप सबको ये बहुत ही आसानी से समझ में आया होगा। बच्चों अगर थोड़ा बहुत भी लग रहा है कि नहीं कॉन्फिडेंट नहीं हो पाए हो, प्लीज पीछे जाओ, मैंने बहुत अच्छे से कोशिश की है आपको समझाने की, एक बार आप फिर से देखो इस वीडियो को, आपको पक्का ये चीज समझ में आ जाएगी, बिल्कुल ही समझ में आ जाएगी, कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। चलो अच्छे से नोट करो बच्चों, अच्छे से नोट करो। तो बच्चों फाइनली हम लोग अब कूलम लॉ से आगे जा सकते हैं और हम लोग अब नेक्स्ट टॉपिक अपना शुरू करते हैं, जो कि है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ही ध्यान से समझो बेटा, इसका बिल्कुल बेसिक ही आज हम लोग को डिस्कस करना है, मतलब बहुत डीप नहीं जाएंगे हम आज के लेक्चर में, हमें थोड़ी सी बातें इसके बारे में जाननी है, और फिर नेक्स्ट हमारी आने वाली दो से तीन क्लासेस सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर होने वाली है। तो सबसे पहले आखिर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या चीज, है क्या चीज, इसके बारे में समझते हैं ध्यान से। देखो बेटा हम लोग क्या किया करते थे बचपन में, हम लोग एक खेल किया करते थे मैग्नेट्स वाला, बहुत सारे गेम्स आते थे बाहर, या चलो ठीक है गेम्स नहीं भी खेले होंगे, हम लोग एक एग्जांपल लेता हूं मैं बहुत सिंपल सा। मान लो मेरे इस रूम में, जिस रूम में मैं इस समय मौजूद हूँ, मेरे पास एक छोटा सा मैग्नेट रखा हो और मेरे बगल वाले रूम में भी एक मैग्नेट हो, क्या ये छोटा सा मैग्नेट जो मेरे रूम में मौजूद है, जो छोटा सा मैग्नेट मेरे रूम में मौजूद है, क्या ये उस दूसरे मैग्नेट को भी यहाँ खींच पाएगा? नहीं खींच पाएगा सर। चलो उसको थोड़ा और पास लाते हैं, अब नहीं, और पास लाते हैं, अब नहीं, थोड़ा और पास लाते हैं, अब हाँ खींच लिया सर, मैग्नेट ने मैग्नेट को खींच लिया, मैग्नेट ने मैग्नेट को खींच लिया। मतलब जब डिस्टेंस काफी ज्यादा थी तो मैग्नेट ने मैग्नेट पे फोर्स नहीं लगाया था, तो मैग्नेट ने मैग्नेट पे फोर्स नहीं लगाया था, पर एक ऐसी जगह शायद मौजूद थी मेरे इस रूम में रखे हुए मैग्नेट के चारों तरफ, एक ऐसी जगह मौजूद है जिसमें जैसे ही कोई दूसरा मैग्नेट एंटर करता है, मेरे इस रूम में रखे हुए मैग्नेट के चारों तरफ, चारों तरफ एक ऐसी जगह मौजूद है, एक ऐसा रीजन बन रहा है जिसमें जैसे ही कोई दूसरा मैग्नेट एंटर करता है तो इन दोनों मैग्नेट में मैग्नेटिक फोर्स लगने लगता है, मैग्नेटिक फोर्स को हम महसूस करने लगते हैं। ठीक सेम कॉन्सेप्ट बेटा लागू होता है चार्ज के लिए भी। सपोज मेरे पास एक चार्ज है स्मॉल क्यू, एक चार्ज है स्मॉल क्यू, तो इस चार्ज के चारों ही डायरेक्शंस में, इस चार्ज के हर तरफ, इस चार्ज के चारों ही दिशाओं में एक ऐसा रीजन मौजूद होगा, एक ऐसा रीजन मौजूद होगा जिसमें जैसे ही कोई दूसरा चार्ज एंटर करेगा, जैसे ही कोई दूसरा चार्ज एंटर करेगा, तुरंत वहां पे इलेक्ट्रिक फोर्स लगना शुरू हो जाता होगा, तुरंत इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का महसूस करना वहां पे शुरू हो जाता होगा। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन क्या होगी बच्चों, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एनी चार्ज इज अ रीजन सराउंडिंग दैट चार्ज
in which when any second charge is placed, second charge starts experiencing a force. Second charge क्या महसूस करने लगता होगा बेटा? Force. तो किसी भी charge के चारों तरफ मौजूद वो region जिसमें जैसे ही कोई दूसरा बाहर से charge आता है, वो एक force महसूस करने लगता है. उस region को हम क्या बोलते हैं बेटा? Electric field. उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? Electric field. एक और definition है electric field की. Mathematical form में मैं बात करता हूँ. बिल्कुल ध्यान से समझो. मैं कहता हूँ मान लो मेरे पास एक ये charge है. Capital Q. मान लो एक charge है. इससे r डिस्टेंस पे मैंने एक और चार्ज रखा है स्मॉल q, स्मॉल q. तो जरा बताओ बेटा कैपिटल q स्मॉल q पे कितना फोर्स लगा रहा होगा? सर बहुत आसान है निकालना. जो फोर्स लग रहा होगा वो आ जाएगा k कैपिटल q स्मॉल q बाई r स्क्वायर के बराबर. हम सब ये फॉर्मूला जानते हैं. तो ये वो फोर्स है जो दोनों पे लगा. फोर्स सिर्फ तब लग सकता है जब पहले से वहां पे फील्ड मौजूद हो. क्या मौजूद हो बच्चों? फील्ड. तो देखो यहां से r डिस्टेंस पे, r डिस्टेंस पे अगर मैं इस चार्ज का मैग्नीट्यूड 1 कूलम मान लूं. क्या मान लूं बेटा? 1 कूलम मान लूं. इसको हम लोग बोलते हैं यूनिट पॉजिटिव चार्ज. क्या बोलते हैं बेटा इसको हम लोग? यूनिट पॉजिटिव चार्ज. अगर मैं इसे स्मॉल के की वैल्यू 1 कूलम मान लूं तो मैं इस फोर्स को और क्या लिख सकता था? देखो ध्यान से, इस फोर्स को मैं के क्यू बाई आर स्क्वायर, क्योंकि 1 लिखना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है. या चलो अगर ये 1 नहीं होता, अगर ये 1 नहीं होता तो मैं ऐसा बोलूं कि जो फोर्स है पर यूनिट चार्ज, फोर्स है पर यूनिट चार्ज मेरा क्या कहलाता होगा बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर कहलाता होगा. तो मैथमेटिकली E वेक्टर इज F वेक्टर अपॉन Q नॉट, F वेक्टर अपॉन Q नॉट. मेरी बात सुनो ध्यान से, यहां Q नॉट वो पॉइंट है, सॉरी वो चार्ज है जहां पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी थी. ध्यान देना, Q नॉट वो चार्ज है जहां पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड करनी थी. Q नॉट वो चार्ज नहीं है जिसकी मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड करनी है. देखो मुझे कैपिटल Q की इलेक्ट्रिक फील्ड यहां फाइंड करनी थी. कैपिटल Q से R डिस्टेंस पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है मुझे ये पता करना था. तो उस R डिस्टेंस पे रखे हुए चार्ज को मैंने, उस चार्ज से मैंने फोर्स को डिवाइड किया है. तो हम क्या कहते हैं? इट इज ऑल्सो डिफाइंड एज फोर्स एक्टिंग पर यूनिट चार्ज एट एनी गिवन पॉइंट. फोर्स एक्टिंग पर यूनिट चार्ज एट एनी गिवन पॉइंट. तो ये भी एक तरीका होता है बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड को समझ पाने का. तो पहली बात तो ये कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है बच्चों? एक रीजन होता है जिसमें जैसे ही दूसरा चार्ज आएगा वो पहली चार्ज का इलेक्ट्रिक फोर्स का रिपल्शन या अट्रैक्शन महसूस करना शुरू कर देगा. मैथमेटिकली क्या लिखोगे बच्चों इसको? एफ वेक्टर अपॉन क्यू नॉट. क्यू नॉट कौन सा चार्ज है? उस पॉइंट पे रखा हुआ चार्ज जिस पॉइंट की फील्ड पता करनी है. उस पॉइंट पे रखा हुआ चार्ज जिस पॉइंट की फील्ड पता करनी है, ना कि वो चार्ज जिसकी फील्ड पता करनी है. मेरी बात सुनो. तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में जो बिल्कुल बेसिक सी बात करनी है, हम जिस भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं उस पॉइंट पर रखे हुए चार्ज का उस फील्ड से कोई लेना देना नहीं होता. मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी गिवन पॉइंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज प्रेजेंट एट दैट पॉइंट. हम जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना चाहते हैं वहां पे रखे हुए चार्ज से इस इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई लेना देना नहीं होता. देखो कैसे, देखो कैसे. यहां पे जरा एफ की वैल्यू आप रखो, एफ की वैल्यू आप रखो. आप एफ की वैल्यू क्या रखोगे? मैं मॉड लगा लेता हूं बेटा क्योंकि मैं मैग्नीट्यूड से डील कर रहा हूं. अगर आप f की वैल्यू देखोगे तो क्या निकल जाएगी? देखो ध्यान से, k कैपिटल q स्मॉल q अपॉन r स्क्वायर और फिर नीचे स्मॉल q. क्या स्मॉल q से स्मॉल q कट गया? बचा क्या? k कैपिटल q अपॉन r स्क्वायर. k कांस्टेंट है, कैपिटल q वो चार्ज है जिसका फील्ड पता करना है, r उस चार्ज से वो डिस्टेंस है जहां फील्ड पता करना है. इसमें उस डिस्टेंस पे मौजूद चार्ज का कुछ लेना देना नहीं है. उस डिस्टेंस पे मौजूद चार्ज का कुछ भी लेना देना नहीं है. चलो और ध्यान से देखो बेटा, कुछ और छोटी छोटी बातें कर लेते हैं. आखिर इलेक्ट्रिक फील्ड है कैसी क्वांटिटी? एक वेक्टर क्वांटिटी है. क्यों? क्योंकि वेक्टर है फोर्स और स्केलर है चार्ज. और वेक्टर अपॉन स्केलर क्या मिलेगा बेटा? हमेशा वेक्टर क्वांटिटी मिलेगी. कैसी क्वांटिटी मिलेगी बच्चों? वेक्टर क्वांटिटी मिलेगी. अब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी तो आखिर उसकी डायरेक्शन क्या होगी? ये भी पता होना चाहिए हमको. तो डायरेक्शन पता करने का बहुत ही आसान तरीका होता है, जिस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड तुम जिस पॉइंट पे निकाल रहे हो उस चार्ज से उस पॉइंट को ज्वाइन करो. ये जो वेक्टर है इसे बोलोगे आर वेक्टर. इसे क्या बोलोगे बच्चों? आर वेक्टर. इसका टेल चार्ज पे है, हेड पॉइंट पे है, याद रखना. तुम जिस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना चाहते हो, जिस पॉइंट पे पता करना चाहते हो, इस चार्ज से उस पॉइंट को ज्वाइन करो एक वेक्टर से. ये होगा आर वेक्टर. अब
अगर ये चार्ज पॉजिटिव है, अगर ये चार्ज पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस आर वेक्टर के अलोंग ही होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस आर वेक्टर के अलोंग ही होगी, और अगर ये चार्ज नेगेटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आर वेक्टर से ऑपोजिट होती होगी। तो डायरेक्शन कैसे निकालते हैं बेटा, अलोंग आर वेक्टर इफ चार्ज इज पॉजिटिव एंड ऑपोजिट टू आर वेक्टर इफ चार्ज इज नेगेटिव, ऑपोजिट टू आर वेक्टर इफ चार्ज इज नेगेटिव। अगला क्या पॉइंट हमें सीखना था इसके बारे में, ध्यान से समझो, अगला पॉइंट इसकी यूनिट क्या होती होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट। तो देखो ध्यान से, फोर्स अपॉन चार्ज, फोर्स क्या है न्यूटन, चार्ज क्या है कूलम, तो जो मेन यूनिट होगी इसकी वो होती है न्यूटन पर कूलम। फिर से रिपीट कर रहा हूं, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला आप निकालोगे और वो भी आज कमेंट में आप लिखोगे, आपको दो होमवर्क दे चुका हूं मैं, डायमेंशनल फॉर्मूला मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड का चाहिए आज कमेंट में आप सबसे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशनल फॉर्मूला आपको लिखना है, यूनिट है न्यूटन पर कूलम, एक और यूनिट होती है वोल्ट पर मीटर पर, ये अभी आप याद मत रखो, कुछ समय के बाद इसको मैं और अच्छे से समझाऊंगा। अभी एक स्टैंडर्ड यूनिट जो आपके पास है वो है न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर कूलम। चलो ध्यान से समझ लेते हैं, एक बार रिपीट कर लेते हैं, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में क्या क्या बातें समझी। पहला, इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ रीजन सराउंडिंग एनी चार्ज इन विच व्हेन एनी अदर चार्ज इज प्लेस्ड इट स्टार्ट्स एक्सपीरियंस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। दूसरा, मैथमेटिकली इलेक्ट्रिक फील्ड इज फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, टेस्ट चार्ज उस चार्ज को बोला जाता है जिस पर फोर्स लग रहा है, याद रखना, टेस्ट चार्ज उस चार्ज को बोला जाता है जिस पर फोर्स लग रहा है। फिर हमने बात की इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी क्वांटिटी है, तो सर वेक्टर क्वांटिटी है, क्यों, क्योंकि फोर्स वेक्टर है और चार्ज स्केलर है, और जो वेक्टर अपॉन स्केलर क्या मिलेगा बच्चों, हमेशा वेक्टर क्वांटिटी मिलेगी। फिर हमने बात किया कि यूनिट क्या, सॉरी वेक्टर है तो डायरेक्शन क्या होगा, तो मैंने आपको आर वेक्टर लिखना सिखा ही दिया है, अगर चार्ज पॉजिटिव है तो अलोंग आर वेक्टर, और अगर चार्ज नेगेटिव है तो ऑपोजिट टू आर वेक्टर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। फिर यूनिट की बात की मैंने आपसे, मैंने कहा बहुत सिंपल सी यूनिट है न्यूटन पर कूलम, और जो एक सवाल मैंने आपको आज करने के लिए, एक और सवाल, सेकंड क्वेश्चन जो मैंने आज आपको दिया है वो है डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आपको कमेंट में लिखना है, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आपको कमेंट में लिखना है। तो ये छोटी सी थ्योरेटिकल पोर्शन था इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, अब हद से ज्यादा होगा इंपॉर्टेंट हमारा नेक्स्ट लेक्चर हमारे बोर्ड के लिए भी और कॉम्पिटिशन के लिए भी, मतलब नेक्स्ट क्लास पूरा डेरिवेशन बेस्ड होगा, डेरिवेशन बेस्ड होगा, हर डेरिवेशन बोर्ड के लिए बहुत खास होगा और हर डेरिवेशन का रिजल्ट कंपटीशन के लिए बहुत ज्यादा खास होगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग डेरिवेशंस पे काम करेंगे, आज का क्लास मैं यहाँ पे एंड करता हूँ। एंड करने से पहले बेटा कुछ एक छोटी सी और स्टोरी है आप लोगों से शेयर करना चाहूंगा, कल मैंने बहुत ही अच्छी सी कहानी देखी, देखी क्या वो, मतलब मुझे काफी अच्छी लगी कि आखिर अगर मुझे हमें सक्सेसफुल होना है, अगर हमें सफल होना है तो प्राकृति जो है हमारा, हमारा जो नेचर जो है उससे भी हमें बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है कि कैसे हम एक सफल इंसान की तरह काम कर सकते हैं या फिर हम सफलता को हासिल कर सकते हैं। वो कैसे होगा बच्चों, तो एक सिंपल सी कहानी है, मैं कहानी सुनाता हूं नदी और कुएं की, नदी और कुएं की। देखो नदी हम जानते हैं बहती है बहुत मस्त, हवा के साथ बहती चली जाती है, कुआं एक जगह ठहरा रहता है। चलो अगली बात ध्यान से सुन लो, नदी ने कुएं से बोला कि तेरा मेरा क्या मुकाबला, तेरा मेरा क्या मुकाबला, क्या कंपैरिजन है, तू देख कहां मैं उसे कहां। कुएं ने कहा हाँ सही बात है, तू कहां और मैं कहां, तू हवा के साथ बह जाती है, तू हवा के साथ और पत्थरों के साथ अपनी दिशा को मोड़ लेती है, बह जाती है, तू इतनी कमजोर है कि तू थोड़ी सी भी परेशानी नहीं देख पाती है, मुड़ मुड़ा के भागना शुरू करती है, और एक मैं जहां हूं वही ठहरा हुआ हूं, मतलब मुझे परेशानियों से लड़ना आता है। तो पहला पॉइंट जो कुएं ने कहा वो हमें ये बताता है बेटा कि जब तुम्हारे सामने तुम्हारे मॉड्यूल में टफ क्वेश्चन आते हैं उन क्वेश्चन को छोड़ के तुम आगे बढ़ जा रहे हो तो वो गलत है। सफलता चाहिए तो आपको पहले उन टफ क्वेश्चन के साथ रुकना होगा, उनसे लड़ना होगा जितना आप लड़ सकते हो। ठहराव बहुत जरूरी है, ठहराव किसके अगेंस्ट, ठहराव परेशानियों के अगेंस्ट, ठहराव नेगेटिविटी के अगेंस्ट बहुत जरूरी है। कुएं ने दूसरा एग्जाम्पल दिया, कत्तू ऊपर से नीचे की तरफ बह के आ रही है, तू कहां से बह के कहां आ रही है बेटा, हिमालय से निकल रही है, बहती चली जा रही है नीचे की तरफ, तू नीचे की तरफ आती चली जा रही है, जैसे जैसे तू नीचे आती जा रही है तेरे में बहुत ज्यादा और भी डस्ट पार्टिकल्स और सब कुछ ऐड हो रहा है और तू खारी हो रही है। क्या हो रही है बेटा, खारी हो रही है, खारी मतलब सॉल्टी, सॉल्टी आप समझ सकते हो, होती चली जा रही है, और मैं नीचे से ऊपर आ रहा हूं, मैं नीचे से ऊपर आ रहा हूं और मैं मीठा होता चला जा रहा हूं, मेरा पानी मीठा होता चला जा रहा है। क्या सीखने को मिला, स्टार्टिंग में कई बार ऐसा होता है, हम नई नई कोचिंग में जाते हैं तो हम पहले दो तीन टेस्ट देते हैं, हमारे मार्क्स बहुत ज्यादा आते हैं और ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में हम अपनी पढ़ाई को वहां पे रोक देते हैं, हमारा ग्राफ गिरता जाता है पर हम उस पर ध्यान नहीं देते।
एक ऐसा बच्चा भी होता है क्लास में जो स्टार्टिंग में बहुत ही लो मार्क्स से शुरू करता है, पर कंसिस्टेंटली वो धीरे धीरे प्रोग्रेस करता जाता है। यकीन मानो ऐसे बच्चे का सिलेक्शन बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं होने का, जो कंसिस्टेंट है अपने काम में, जो लगातार ऊपर बढ़ने की कोशिश कर रहा है। तो अपना ग्राफ अगर आपका गिर रहा है बच्चों, तो अभी आने वाले टाइम में अपने ग्राफ को मेंटेन करो, दोबारा उठाओ, ताकि आप भी सक्सेस की तरफ बढ़ सको, आप भी सक्सेस की तरफ बढ़ सको। और कुएं ने तीसरा एक पॉइंट और बोला, क्या बोला, कि तू लोगों की प्यास बुझाने के लिए उनके पास जाया करती है, तू लोगों की प्यास बुझाने के लिए उनके पास जाया करती है, और लोग अपनी प्यास बुझाने के लिए मेरे पास आया करते हैं। मतलब यहाँ पे जो मैं पॉइंट कहना चाहता हूँ, इस पॉइंट से जो मुझे सुनने में या सीखने में एक पॉइंट मिला, वो ये था कि हमेशा अपनी एक यूनिक आइडेंटिटी क्रिएट करो, हमेशा अपनी एक यूनिक आइडेंटिटी क्रिएट करो। और वो इतना आसान नहीं होगा, उस आइडेंटिटी को क्रिएट करने के लिए तुम्हें बहुत सेक्रीफाइसेस देने पड़ेंगे दो, पर एक ऐसी आइडेंटिटी बनाओ कि लोग तुम्हारे पास आए, लोग तुम्हारे पास आए। तो एक बहुत ही सिंपल सी कहानी थी हमारे नेचर से जो हमने सीखी, उम्मीद करता हूँ आप सबको बहुत पसंद आई होगी ये कहानी। और बाकी जो होमवर्क दिया है आपको, वो कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताएं। नेक्स्ट क्लास में और भी अच्छे डेरिवेशंस करने वाले हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।